नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह सजान, कंसल्टेंट न्यूरो एवं स्पाइन सर्जन, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। आज हम अपनी वीडियो सीरीज में स्पाइन ट्यूमर्स के बारे में कुछ शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। स्पाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं? स्पाइन में पाए जाने वाले ट्यूमर्स जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी की नस एवं नर्व रूट्स यानी जो नसें स्पाइनल कॉर्ड से निकल के शरीर को सप्लाई करती हैं, उनमें होने वाले ट्यूमर्स को, गांठों को एवं कैंसर को मिला के हम कहते हैं कि ये पूरी की पूरी चीज़ स्पाइन ट्यूमर। ये कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हमने अभी देखा कि स्पाइन ट्यूमर्स जो हैं वो रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रा से आ सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रा के बीच वाले स्पेस यानी एपिड्यूरल या इंट्राड्यूरल स्पेस वहाँ पर आ सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नस में वहाँ से अराइज हो सकते हैं। जब ये ट्यूमर होते हैं तो ये ट्यूमर कुछ प्रेशर डालते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, जिसकी वजह से मरीज को परेशानियाँ होती हैं। यदि ट्यूमर नर्व रूट से यानी नसों से निकल रहा है तो वो उस नस के फंक्शन को डिटेरेट करता है या डैमेज करता है, जिसकी वजह से मरीज को परेशानियाँ होती हैं। यदि ये ट्यूमर वर्टिब्रल बॉडी से आता है तो मरीज को बैक पेन या कंप्रेसिव सिम्टम्स आ सकते हैं। इन स्पाइनल ट्यूमर्स के लक्षण क्या होते हैं? जैसे हमने देखा कि ये ट्यूमर्स जो होते हैं मुख्यतः जिस हिस्से में पाए जाते हैं वहाँ पर दर्द होता है, दर्द कंटिन्यूस हो सकता है, वेट बेयरिंग के साथ दर्द बढ़ जाता है और समय के साथ दर्द की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। शुरुआत में ये आम दवाओं से पेन किलर्स से रिलीफ मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद पेन किलर्स भी काम करना बंद कर देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड पे अत्यधिक प्रेशर पड़ने की वजह से उसके प्रेशर सिम्टम्स मिलते हैं, जिसमें मरीज को लकवा आ सकता है, हाथ पैरों में झंझनाहट, सुनपन आ सकता है, लैटिन पेशाब का कंट्रोल जा सकता है, पेशाब करने में परेशानियाँ हो सकती हैं एवं कई बार मरीज को देखा गया है कि पैर एट्रोफीड हो जाता है यानी पैर पतला होने लगता है। ये चीज़ें भी देखी गई हैं। चलने में परेशानी आती है, पैरों में अकड़न आती है, ये उन ट्यूमर्स में होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड यानी लोअर लंबर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से के बजाय ऊपरी हिस्से में ट्यूमर्स पाए जाते हैं। तो कंप्रेसिव सिम्टम्स में पैरों में अकड़ापन देखा जाता है। जब मरीज चलता है तो घुटने अकड़ जाते हैं, उसे बैठने के बाद खड़े होने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सुबह जब वो उठता है तो पैर बिल्कुल भी मोड़ नहीं पाता है, कुछ समय लगता है, बहुत दर्द करता है पैर, तब जाकर के पैर सीधे होते हैं और उसको चलने में बहुत कठिनाई होती है। तो ये कंप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपरी हिस्से के ट्यूमर्स में ज़्यादा देखा जाता है। यदि ट्यूमर्स का वो हिस्सा जो स्पाइनल नर्व रूट्स को इन्वॉल्व करता है तो हमें रेडिकुलर पेन यानी उस वो नस जिस हिस्से में सप्लाई करती है उस हिस्से में झंझनाहट और करंट जैसा दर्द होता है, जो कि पूरे हाथ में, पैर में, उस हिस्से में होता है। साथ में बर्निंग सेंसेशन होती है, मीठा मीठा सा दर्द हमेशा बना रहता है और जो कि मरीज को चलने की में बढ़ जाता है। इस कई पेन किलर्स के बाद भी इस तरह का दर्द जो है वो आराम नहीं देता। इसको लक्षणों के बाद हम देखें कि यदि इस तरह के लक्षण हैं तो हमें क्या कराना चाहिए जिससे हमें पता चले कि हमें स्पाइन ट्यूमर है। तो इसमें बेसिक कुछ जांचें होती हैं जिसमें हमें पहले MRI उस हिस्से की स्पाइनल कॉर्ड की MRI या स्पाइन की MRI करानी चाहिए। साथ में कुछ नर्व कंडक्शन टेस्ट और कुछ EMG टेस्ट होते हैं जो कराने चाहिए। MRI से हमें पता चलेगा कि हमारे उस हिस्से में क्या परेशानी है, यदि ट्यूमर है तो वो किस तरह का ट्यूमर है, वो कौन से हिस्से में है और उसने कितना प्रेशर डाल रखा है, वो किस वैरायटी का ट्यूमर है और उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। नर्व कंडक्शन स्टडीज से हमें ये पता चलता है कि उसने नसों को कितना डैमेज किया हुआ है, कितना अभी नसों में ताकत बाकी है, जिससे उसकी प्रोग्नोसिस यानी ऑपरेशन के बाद के रिजल्ट्स जो हैं वो हम पहले ही डिसाइड कर सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद उसको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। डायग्नोसिस बनने के बाद आता है कि इसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है। देखिए
स्पाइनल ट्यूमर्स जो होते हैं मोस्टली बेनाइन यानी नॉन कैंसरस होते हैं। नॉन कैंसरस ट्यूमर्स जो होते हैं उनका इलाज ऑपरेशन से ही किया जाता है। यदि उस मरीज को तकलीफ ज़्यादा है, ट्यूमर जो ऐसी जगह है जो कि मरीज को स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव डाल रहा है, वर्टिब्रल बॉडी जो है वो वीक हो रही है, तो उसको तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों में ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल होता है, सही तरीके से माइक्रोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन किया जाए तो रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे होते हैं। मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होता है और अपने पैरों पर चल पाता है। कुछ ट्यूमर्स जो होते हैं जिन्हें मेटास्टेटिक ट्यूमर्स कहते हैं, जो वर्टिब्रल बॉडीज में होते हैं, ऐसी स्थिति में ये ट्यूमर्स जो होते हैं शरीर के दूसरे हिस्से में जो कैंसर होता है वहाँ से फैल के शरीर की हड्डी में आते हैं। ऐसी स्थिति में हमको प्राइमरी ट्यूमर यानी जहाँ पहले ऑलरेडी कैंसर है उसका ट्रीटमेंट देखना होता है। यदि वो डिजीज़ क्योर्ड हो गई है तो हमें फिर ये देखना होता है कि जो स्पाइन में ट्यूमर है क्या मरीज़ को उसकी वजह से अत्यधिक परेशानियाँ हो रही हैं। अगर परेशानी है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, कोई बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, तो उनको भी सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है और बाद में उस पर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की दी जाती है जिससे मरीज को पूर्णतः आराम मिलता है। मोटे मोटे तौर पर स्पाइनल ट्यूमर्स जो होते हैं ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मरीज़ को ज़्यादातर तरीके ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों में ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है यदि वो समय से कराएं। यदि हम स्पाइन ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट को डिवाइड करें तो देखिए पहला ट्रीटमेंट इसका हमेशा सर्जिकल होता है यानी ऑपरेशन के द्वारा। ऑपरेशन में ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी वो ज़्यादातर आज भी वही सर्जरी की जा रही है। कुछ सिलेक्टेड केसेस होते हैं जिसमें ट्यूमर जो है वो छोटा होता है, ऐसी जगह होता है जहाँ पर उसको हम अप्रोच कर सकते हैं, लोकेशन कैसी है, उसकी वैस्कुलरिटी यानी उसकी ब्लड सप्लाई कैसी है, ये सारी चीज़ों को देख करके हम आजकल एंडोस्कोपिक यानी दूरबीन विधि से भी स्पाइन ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। ये काफ़ी एडवांसमेंट हो रहा है इसमें और हमें भविष्य में यकीन है कि हम ज़्यादातर केसेस को मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स के द्वारा ही सर्जरी कर पाएंगे। कुछ केसेस होते हैं स्पाइन ट्यूमर्स के जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट भी किया जाता है। इसमें मल्टीपल माइलोमा एक ऐसी चीज़ है जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर होता है जो कि स्पाइन में वर्टिब्रल बॉडीज में फैल जाता है। उसमें जिस प्रकार से हम ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं उसी प्रकार से ही हम उस स्पाइन में फैले हुए मल्टीपल माइलोमा का भी ट्रीटमेंट करते हैं। साथ ही उसमें यदि कोई फ्रैक्चर है या फिर कोई स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन है तो ऐसे केसेस में उसमें भी कई बार ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर मरीजों में स्पाइन ट्यूमर जो देखा गया है वो नॉन कैंसरस होता है, इसलिए ऐसे मरीजों में ऑपरेशन जो है वो ज़्यादा कारगर होता है। मरीज को यदि सही समय पर अर्ली डिटेक्ट करके ट्यूमर पर सही समय पर जल्द सर्जरी हो तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ये देखा गया है समाज में भ्रांति कि अगर एक बार स्पाइनल ट्यूमर हो गया और ऑपरेशन कराया तो मरीज को लकवा आना तय है और वो बिस्तर पर ही लेटा रहेगा जीवन भर। ऐसा नहीं है। यदि मरीज अपना ऑपरेशन उस स्थिति में करा लेता है जब उसे कोई न्यूरो डेफिसिट यानी कुछ लकवा नहीं आया है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसको ऑपरेशन के बाद भी लकवा नहीं आएगा। यदि ऑपरेशन उसने सही जगह कराया है, माइक्रोस्कोप और बाकी सुविधाएं उस जगह पर मौजूद थी, तो इसलिए इसमें ये देखना ज़रूरी है कि हम कहाँ पर ऑपरेशन करवा रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं, नवीनतम टेक्निक्स का उपयोग हो रहा है या नहीं। हमारे पास रीजेंसी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक माइक्रोस्कोप, न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम आदि मौजूद है जिसके द्वारा हम स्पाइन ट्यूमर्स का बेहतर इलाज कर पा रहे हैं और ऑपरेशन के बाद रिजल्ट्स हमारे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स हैं। मरीज को लकवे की शिकायत नहीं हो पाती है और वो पूरी तरीके से अपने आगे के जीवन नॉर्मली व्यतीत कर पाता है। तो यदि आपको स्पाइन ट्यूमर है की डायग्नोसिस बनी है या आपको इस तरह के लक्षण हैं तो एक बार आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, इस बीमारी के बारे में हमसे डिस्कस करें और प्रॉपर परामर्श लें और डिसाइड करें इसको क्या किस तरीके से इसका इलाज करना है। स्पाइन ट्यूमर से डरे नहीं, ये कम्प्लीटली पूरी तरीके से क्योरेबल डिजीज़ है, इसको पूरी तरीके से ठीक किया जाता है। ऑपरेशन से या दवाओं से ये डॉक्टर जो है वो मरीज की रिपोर्ट्स देखकर डिसाइड करता है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स यानी 90-95% मरीज जो होते हैं वो पूरी तरीके से ठीक होते हैं।
मरीज यदि लापरवाही करता है और उसको बीमारी को देरी से ही डिटेक्ट करता है या बीमारी को नज़रअंदाज करता है तो इसके लक्षण काफ़ी भयावह होते हैं। मरीज को पैरालिसिस आ जाती है, लैट्रिन पेशाब का कंट्रोल छूट जाता है। उस स्थिति में मरीज यदि ऑपरेशन भी कराता है तो रिजल्ट्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं होते हैं क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड जैसे नाजुक स्ट्रक्चर को जिसमें रिजनरेटिव पावर नहीं होती, यानी एक बार डैमेज होने के बाद वो ठीक नहीं हो पाती है, तो ये ऐसी चीज़ होती है कि इसको हम उस स्थिति तक ना जाएं और बीमारी को पहले पकड़ें, प्रॉपर उसका पहले इलाज करवाएं ताकि हम उस गंभीर स्थिति तक पहुँचे हैं। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे क्लिनिक पर या रीजेंसी हॉस्पिटल में, दोनों जगह हम उपलब्ध रहते हैं। प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए आप हमसे मिलिए, डिस्कस करिए और इस परेशानी से बचिए।